वेलकम फ्रेंड्स एडुकेशन एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की जो कि चल कर आ रही है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से यह रिक्रूटमेंट उनतीस दिसंबर दो को पब्लिश किया गया था और यह रिक्रूटमेंट गेट स्कोर के जरिए होने जा रहा है इसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल के लिए पोस्ट लाई गई है तो आइए चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाया है वो टोटल दो है टू एंड डिटेल कैटेगरी वाइज उन्होंने कंप्लीट ब्रेकअप इस पी में मैंशन किया है आप यहाँ पर स्क्रीन लेकर या वीडियो पॉज करके अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं तो इन टोटल ट्वेंटी टू एटी वन वैकेंसीज लाई गई है फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट के लिए और फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी सिविल के लिए उन्होंने इन टोटल चालीस वैकेंसीज लाई है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप इसका भी उन्होंने दे दिया है आप देख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पे ग्रुप एज लिमिट एज ऑन ट्वेंटी ऑफ दिसंबर टू ट्वेंटी थर्ड तो बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिविल के कास्ट स्ट्रीम्स uh, के लिए जीईटी पोस्ट में पे ग्रुप टू का रहेगा और एज लिमिट थर्टी फाइव ईयर्स रहने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट बात करें क्वालिफिकेशंस की तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी डिस्ट्रीब्यूशन और सिविल के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिवली रखा है ठीक है साथ ही उन्होंने जो इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में जो पे आपका प्रोवाइड करेंगे वो बाईस हजार का मेंशन किया है इस पी में ओके आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेथडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन तो आपका सिलेक्शन गेट स्कोर के जरिए होगा आपका जिस किसी भी ईयर में 2021, 22 या 23 में आपका गेट स्कोर क्वालिफाइड होगा उसके उसको कंसिडर किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका एलिजिबिलिटी माना जाएगा साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपका गेट कोड होना चाहिए डबल ई एंड सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप हो तो आपका गेट कोड होना चाहिए ई ओके और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है इफ ए कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड गेट एग्जाम इन द ईयर ऑफ 21, 22 एंड 23 ऑफ़ 2000 देन ही और सी मेंशन द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन आइदर इयर्स मतलब आपका किसी भी तीनों साल में जो भी हाईएस्ट मार्क्स होगा वही कंसिडर किया जाएगा ओके okay? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ओपनिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जनवरी 2024 से है और एप्लीकेशन जो फीस है वो ओपन कैटेगरी एंड अप्लाइड अगेंस्ट ओपन कैटेगरी जो उन्होंने मेंशन किया मतलब अनरिजर्व कैटेगरी वो 500 प्लस सम जीएसटी चार्जेस रहेंगे और फॉर रिजर्व कैटेगरी या ऑर्फेंस के लिए टू प्लस सम जी चार्जेस रहने वाले हैं बात किया उन्होंने हाउ टू अप्लाई तो उन्होंने कहा है कि अप्लाई ऑनलाइन होगा और उसका अवेलेबल किया जाएगा सारा भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पर तो आप उनका वेबसाइट का नोटिफिकेशन से देख सकते हैं साथ ही अगर आपको, करना है, तो आप उनके accepted, तो ये आपको ध्यान में रखना okay? है तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग और आई से पे कर सकते हैं जनरल कंडीशंस दिए गए हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हो तो आप कंप्लीट पीडीएफ को डिस्कस डिस्कस uh, कर सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जनरल कंडीशन एज वेल ठीक है तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस तरह यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये रिक्रूटमेंट थी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टील सॉरी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हों फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो